मारबो। तो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक और पिक्चर वेनम 3 जिसका ऑफिशियल टाइटल है वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर आ चुका है एंड ट्रेलर ओपनली रिवील भी कर देता है कि ये पिक्चर वेनम के साथ साथ टॉम हार्डी की भी एज ए सोलो आखिरी पिक्चर होने वाली है क्योंकि सोनी हर बार की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मतलब मल्टीपल यूनिवर्सेस के लोगों को उठाकर उनकी खिचड़ी बनाकर तुम्हें सर्व करेगा, स्पाइडरमैन के सपने दिखाकर मॉर्बियस जैसी पिक्चर भी दिखा देगा। तो ट्रेलर में दिखाई गई हर एक चीज को देखकर ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेनम ट्रिलॉजी फाइनली कंप्लीट होने जा रही है, वो भी बिना यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को दिखाए, आई मीन सीरियसली। लेकिन अभी तक ट्रेलर में जितना भी देखा उसके बाद आई कैन से कि वेनम 2 के कंपैरिजन में दी लास्ट डांस का ट्रेलर क्वाइटली प्रॉमिसिंग लग रहा है बिकॉज ऑफ इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे सीन्स भी डाले गए हैं जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत होती है एडी ब्रॉक के इस वाले सीन से जिसमें वो कहीं मेक्सिको में नजर आता है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां पर भी उसने वही सेम आउटफिट पहन रखा है जो कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसे पहने हुए देखा था। तो मोस्ट ये मूवी उसके आगे से ही टेक प्लेस करने वाली है जिसके अंदर तुम्हें वेनम हॉर्स मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला मॉर्डो और यहाँ तक कि एंड्रू गारफील्ड की फर्स्ट वाली दी अमेजिंग स्पाइडरमैन का लिजर्ड वाला कैरेक्टर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन एज यूजुअल भर भर के कैमियोज दिखाने और पोस्ट क्रेडिट सीन्स को आपस में कनेक्ट करने के अलावा भी ट्रेलर बहुत कुछ प्रॉमिस कर जाता है, जैसे वेनम के अलावा भी इस यूनिवर्स में काफी सारे सिम्बियोट्स पहले से मौजूद होने वाले हैं जो कि जूनो टेंपल एक साइंटिस्ट की लैब में देखने मिल भी जाते हैं और इन्हीं सिम्बियोट्स को पकड़ने का काम मिलता है मॉर्डो भैया को। तो ये पहुंच जाते हैं उसी बार में जहाँ पर एडी ब्रॉक ने अपने दो बूंद छोड़े थे, आई मीन वेनम पॉइजन छोड़ा था या फिर छूट गया था जब वो नो वे होम में स्पाइडरमैन की गलती की वजह से मल्टीवर्स में चक्कर काट रहे थे एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के दोस्त मॉर्डो की अपनी यहाँ पर एक पावरफुल आर्मी होती है जो वेनम को पानी के अंदर भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देती है और इसके अलावा खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि ट्रेलर के ही एक सीन में वेनम कहता है कि उसकी दुनिया वालों ने भी उसे ढूंढ लिया है एंड अब वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन भाई इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा या फिर इसके बाद भी कई सारे टीजर ट्रेलर आते रहेंगे जहाँ पर सबसे पहले वेनम का सामना होता है एलियन क्रिएचर से जिसको देखते ही वेनम की सबसे पहले फट जाती है और ऑब्वियसली ये वेनम के प्लैनेट से तो नहीं होगा क्योंकि वो इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाता है। बट नाउ इमेजिन कि वेनम ट्रिलॉजी के एंड होते होते द गॉड ऑफ सिम्बियोस नल की पूरी आर्मी यहाँ पर आ जाए तो मूवी की एंडिंग एकदम बवाल काट जाएगी। वहीं इसको लेकर कुछ रूमर्स ऐसे भी आ रहे थे कि ट्रेलर में दिखाई गई फैमिली में जो बच्चा है अगर वो गलती से भी अपना पीटर पार्कर निकल गया तो वेनम को अपनी जान बचाते बचाते उसे भी तो फ्यूचर के लिए सेव करना पड़ जाएगा ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वेनम वर्स में स्पाइडरमैन और वेनम का क्रॉसओवर करा बनाई वेनम का टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की इस वाली मूवी से कितना एक्सपेक्टेशंस रखना है या नहीं वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट एज यूजुअल वेनम की मूवी है तो इसके अंदर आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो मिलने ही वाला है क्योंकि द लास्ट डांस में मिसेज चैन का कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है अपने एडी ब्रॉक के वेनम के साथ आखिरी डांस के लिए। साथ ही मूवी के अंदर वो कॉमेडिक एलिमेंट तो रहेंगे ही जो वेनम की मूवीज में अक्सर होते हैं या फिर स्टार्टिंग के फाइटिंग सीन में दिस इज वी आर वेनम बट साथ में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते। लेकिन भाई पूरी ट्रेलर के अंदर मेरा जो सबसे फेवरेट सीन था वो है वेनम वॉर्स वाला एंड इसको देख के जो सुकून मिलता है अलग ही लेवल है। मतलब अगर तुम दी लास्ट डांस को देखने जाते हो तो हो सकता है कुछ माइंड ब्लोइंग या टॉप क्लास देखने मिले या ना मिले लेकिन फुल पैसा वसूली तो हो जाएगी। तो वेनम 3 के ट्रेलर को देखकर तुम्हारे क्या विचार हैं या फिर मूवी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कमेंट में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब।